हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। तो आज हम लोग पहले तो दो चीज जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द सेकंड वन इट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या है? सो द बायंट फोर्स, द बायंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड is equal to the weight of fluid displaced. Fluid displaced है ना? तो बायंट फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड पे, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। सपोज आपके पास यहां पर एक वेसल, और इस वेसल के अंदर सपोज आपने यहां पर एक कोई स्पीयर को आपने यहां पर उसको यहां पर रखा, मतलब आपने क्या कर दिया कि ये स्पीयर को इस फ्लूइड के अंदर डाल दिया है ना। तो यहां पर उसको एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स सेकेंडली, और दूसरा फोर्स उसको अपर डिरेक्शन में लगेगा। That force is known as bind force. So FB is equal to, we can say it is bind force. जो उसको upper direction में लगेगा। सभी को लगता है, देखिए कोई भी fluid के अंदर कोई भी object जाता है तो उसको gravitational force तो लगता ही लगता है, लेकिन साथ साथ में क्या लगता है बेटा, bind force भी आपको लगता है जो upper direction में होता है ना। जैसे आपने यहाँ पर sphere को डाल दिया, या फिर आपने सपोज कोई इरेग्युलर शेप को भी डाल दिया है ना, कोई भी ऐसा नहीं है सिर्फ स्फीयर, आपने कोई क्यूब को डाल दिया या किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फ्लूइड के अंदर डाल दिया, तो फ्लूइड विल एक्सर्ट द फोर्स इन अपवर्ड डिरेक्शन और इट इज इन द डिरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, उसके ऑपोजिट डिरेक्शन में उसको बायंट फोर्स लगेगा। एंड दैट बायंट फोर्स इज इक्वल टू वी कैन से वेट ऑफ, नॉट मास ऑफ द मास नहीं है ना, ये वेट है, याद रखना मास नहीं, ये वेट ऑफ द फ्लूइड फोर्स, फ्लूइड द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ ना उसका जो है यहां पर उसका वेट लगेगा। अब सपोज यहां पर जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका मास सपोज m नॉट है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ इसका मास m नॉट है, तो ये वाला कितना लग जाएगा, m नॉट इनटू g, इतना बायंट फोर्स लगेगा। ये वाला जो स्फीयर है इसका मास इतना है m, और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, जो फ्लूइड हटा अपनी जगह से, उसका मास कितना है, तो उसका मास है आपके पास m नॉट है ना। ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये m नॉट जो है ये मास नहीं है, ये फ्लूइड डिस्प्लेस का मास है। सो इट इज इक्वल टू रो इनटू v नॉट इनटू g। सो v नॉट कितना होगा, इट इज इक्वल टू वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है ना। तो v नॉट इज इक्वल टू वी कैन से वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि मास की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, यहां पर आपके पास रो नॉट वी नॉट रख दिया। अब ये कैसे आया, फ्लूइड की डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, सो रो नॉट इज इक्वल टू एम नॉट इनटू वी कैन से वी नॉट, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अच्छा, अगर हम लोग जो है बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिसन, कोई बोलेगा कि ये समझ में नहीं आया, तो हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज
ये माना आपके पास एक वेसल है, इट इज फुल ऑफ फ्लूइड, है ना, ये फ्लूइड से पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये फ्लूइड से पूरा पूरा भरा हुआ है। अगर आपने यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर ये एक और ये दो, अगर आपने यहां पर दो सपोर्ट रख दिए या दो स्टैंड रख दिए, और अब आप यहां पर एक स्फीयर को डालोगे या कोई भी ऑब्जेक्ट को डालोगे, सो व्हाट विल हैपन, यहां से ये फ्लूइड जो है नीचे की तरफ गिरेगा, ये वाला फ्लूइड जो है नीचे की तरफ गिरेगा, ये वाला फ्लूइड जो है नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये वाला फ्लूइड जो है नीचे की तरफ गिरेगा, तो यहां पर बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, है ना। अब ये फ्लूइड जो इकट्ठा हुआ, ये वाला और ये वाला फ्लूइड को आप इसका वेट कर लो, इसका क्या कर लो बेटा, वेट कर लो। क्या कर दिया आपने, सबसे पहले एक फ्लूइड का जो है फुल आपने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर स्फीयर को आपने इमर्स किया, एंड आफ्टर इमर्सिंग द फ्लूइड स्फीयर व्हाट विल हैपन, यहां से उसका बहुत सारा जो है ये वाला फ्लूइड जो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ये जो नीचे गिरा हुआ है ना फ्लूइड, इसको आप इकट्ठा करके इसका वेट कर लो, तो ये जो वेट आएगा घंटा इतना उसको बाइंडिंग फोर्स लगेगा, है ना। सो बाइंडिंग फोर्स इज इक्वल टू, वी कैन से ये वाला अगर मास इसका m नॉट है तो m नॉट इनटू वी कैन से g, अभी m नॉट की जगह पे आप रो नॉट इनटू v इनटू g भी लिख सकते हो। अब ये v क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, ये वाला होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आपके पास है इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, है ना। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पर मैं बताना ऐसा चाह रहा हूं कि ये वाला जो स्फीयर है इसका जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का यहां पर जो है ये वाला फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। सो v इज इक्वल टू v कैन से v नॉट, यहां पर v इज इक्वल टू v नॉट, ये वाला जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये वाला जो हमारे पास इसका लॉ ऑफ आर्किमिडीज हो गया। अब लॉ ऑफ आर्किमिडीज के बाद हम लोग जो है फ्लोटेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने के बाद हम लोग बर्नौली इक्वेशन हम लोग इसको डिराइव करेंगे। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसमें यह है कि अगर आपके पास यहां पर फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वाला आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का वेट डब्ल्यू है और इस पे बाइंड फोर्स लग रहा है एफ डी, तो यहां पर जो है इफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ डी, ये डब्ल्यू जो है एफ डी से ग्रेटर है, तो द वेट इज ग्रेटर देन एफ डी, सो द ऑब्जेक्ट will sink, ये डूब जाएगा, है ना, तो the object will sink। Second वाला है, अगर जो है यहां पर for example यहां पर इसका weight है और यहां पर इसका buoyant force है ना, if they are equal, so w is equal to fb, if w is equal to fb, then the object will float at any depth, है ना, किसी भी depth पे वो float करेगा। For example, अगर हम लोग जो है submarine में से अगर हम लोग water को निकाल लेते, उसके अंदर water tanks होते हैं, उसमें से पूरे water को बाहर निकाल दिया, तो इसका weight जो है ना, वो कम हो जाएगा किससे, FB से, है ना, तो ये submarine वो surface पे आ जाएगी। अब इसके अंदर कंट्यू के अंदर पानी भर लिया गया और उसका वेट और बायंड फोर्स दोनों इक्वल हो गया, तो वो सबमरीन पानी के अंदर जो है पानी के अंदर उतने ही जो है डेप्थ में, जितनी डेप्थ में वो है वहां पर फ्लोट करेगी। और थर्ड वन जो है, अगर डब्ल्यू इज लेस देन एफ पी, तो द ऑब्जेक्ट विल
विल नॉट सिंक बट इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, है ना। तो सरफेस पे क्या होगा, फ्लोट करेगा। तो बहुत सिंपल है, अगर वेट ज्यादा हुआ बायन फोर्स से तो वो डूब जाएगा, वेट इज इक्वल टू बायन फोर्स हुआ तो किसी भी डेप्थ पे या किसी भी हाइट पे बॉटम से वो फ्लोट करेगा, और अगर W लेस देन FP हुआ तो द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। ये वाला आपके पास उसका ये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग जो है आगे बढ़े यहां पर, देखिए यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पर छोटी वाली आपके पास एक नेल है ना। तो ये नेल जो है ये पानी के अंदर क्यों डूबती है मालूम है, क्योंकि ये इतना सा फ्लूइड डिस्प्लेस करती है। अगर इतना सा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी तो उसका वेट कितना होगा, तो बहुत कम उसका वेट होगा। तो यहाँ पर जो बाइंड फोर्स लगता है ना उससे कहीं ज्यादा W इज वेरी मच ग्रेटर देन बाइंड फोर्स, है ना। तो ये डूब जाती है। अब सपोज यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है आपके पास एक बड़ा सा सी है या ओशन है। तो यहां पर जो है ये वाली जो आपके पास स्टीमर है या आपके पास जो बोट है या शिप है वो कितना जो है वाटर को डिस्प्लेस करेगी, तो वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी नियरली 3 स्विमिंग पूल जितना। 3 स्विमिंग पूल में जितना वाटर आता है ना उतना ही अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो इसको कितना सारा बायन फोर्स लगेगा, तो 3 स्विमिंग पूल में जितना वाटर हुआ ना वो वाटर का वेट उतना उसको बायन फोर्स लगेगा। तो ये बायन फोर्स इट इज इनफ टू गेट दिस बोट और टू गेट दिस शिप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये वाला जो है इसको इतना वेट लगेगा। तो ये वाली जो है आपके पास ये नेल जो है डूब जाती है और ये वाली जो है नहीं डूबती। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन, अब ये बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन इज लाइक दिस, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G, है ना। ये वाला आपके पास बर्नौलीज़ का इक्वेशन है। इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर है, इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी है, और इसको जो है हम लोग कहेंगे मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे एचरोजी को प्रेशर है, और उसके बाद जो वेलोसिटी है, और उसके बाद गेज है ना। अब हम लोग जो है सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला हमारे पास एक ट्यूब, ये वाला हमारे पास एक ट्यूब है ना। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ताकि क्रॉस सेक्शन जो है हमको अलग अलग दिखे। सपोज ये वाली बेस लाइन यहां से यहां तक आपके पास H1 हाइट हुई, यहां से यहां तक आपके पास H2 हाइट हुई, यहां पर उसको प्रेशर लगा केवल, है ना। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया केवल, और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी हो गई केवल, मतलब फ्लूइड जो है ऐसे चल रहा है ना। That the fluid is flowing like this. ये वाला fluid इस direction में चल रहा है, इस direction में चल रहा है। So let us say this is number one and this is number two. है ना, ये वाला cross section को हम लोग number one कहेंगे, ये वाला cross section को हम लोग number two कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ऐसा assume करेंगे, देखिए यहाँ पर कि as shown in the figure, as shown in the फिगर क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल
फिर उसके बाद इररोटेशनल और फिर उसके बाद जो पहला जो था ना हमारे पास क्या था इररोटेशनल एंड पहला वाला जो था as shown in the figure incompressible irrotational and streamline पहला वाला जो था streamline irrotational incompressible and पहला वाला हमारे पास जो कौन सा फ्लो था मैं एक मिनट ये वाला मैं देख रहा हूँ पास तो ये वाला जो होगा fluid is varying cross sectional area तो एक मिनट स्टेडी यस ये वाला हो गया हमारे पास स्टेडी फ्लो एक मिनट तो चलिए एज़ शोन इन द फिगर इनकॉम्प्रेसिबल इरोटेशनल एंड स्टेडी फ्लो इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब ऑफ वेरी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना अब यहां पर हम लोगों ने इनकॉम्प्रेसिबल लिखा है मतलब डेंसिटी सेम रहेगी इरोटेशनल लिखा है मतलब टॉर्क जीरो होगा और स्टेडी फ्लो मतलब यहां पर v1 और v2 भी वेल डिफाइंड होगी यहां पर v1 और v2 आर वेल डिफाइंड अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका हम लोग लिखेंगे 8.1 है तो 8.1 प्रेशर इस P1 यहां पर प्रेशर P1 है यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A1 है यहां पर वेलोसिटी बहुत वेल डिफाइंड होगी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वी कैन से V1 और हाइट फ्रॉम द बेस लाइन है ना ये हाइट है हमारे पास H1 ठीक है और प्रेशर इसको इस डायरेक्शन में लगता है चल यहां पर 2 पर क्या होगा प्रेशर इसको इस डायरेक्शन पे जो लग रहा है उसकी बात हम लोग करेंगे यहां पर ये वाला फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाए है ना ये ऐसे जाए तो ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर P1 ज्यादा होगा प्रेशर P1 जो है ज्यादा होगा और ये प्रेशर किस वजह से लग रहा है इसके आगे जो फ्लूइड होगा ना वो फ्लूइड जो है आगे जाना नहीं चाहता होगा तो ये वाला आगे वाला फ्लूइड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा होगा सो H2 अगर हम लोग लिखेंगे तो H2 क्या हो जाएगा तो H2 जो है प्रेशर हमारे पास सपोज वी आर गिवन प्रेशर एज P2 यहां पर प्रेशर आपके पास P2 है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास A2 है और यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी वेल डिफाइंड है इट इज V2 और यहां पर अगर हाइट हम लोग देखेंगे तो हाइट इज H2 ठीक है ना अब यहां पर देखिए ये फ्लूइड जो है ये वाला फ्लूइड यहां पर प्रेशर P1 की वजह से जो फ्लूइड यहां पर होगा सपोज वो यहां पर करता है मतलब ये यहां से यहां पर शिफ्ट करता है तो ये वाला ABCD ये वाला आपके पास मास एलिमेंट है ये मास एलिमेंट अगर ये वाला AD BC पर जाता है मतलब इतना जो है मास आगे चलता है प्रेशर P1 की वजह से तो ये वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है सपोज यहां पर है आपके पास EF ये वाला कहां चला जाएगा यहां पर EFGH है ना मतलब अगर ये यहां पर गया ये वाला फ्लूइड यहां पर गया तो ये वाला फ्लूइड जो है यहां पर गया मतलब जितना मास यहां से शिफ्ट हुआ ना उतना ही मास जो है यहां से शिफ्ट होगा So we can say if fluid moves from AD to BC and then
से फ्लूइड एट ई एफ, फ्लूइड एट ई एफ है ना। ए बी से अगर बी सी पे मूव करता है तो ई एफ से एच ई एफ फ्लूइड एट ई एफ विल मूव टू उसको निकल जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से यहां शिफ्ट करने में कोई वर्क करना पड़ेगा है ना। सो वी कैन से हियर दैट W1 इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट AD। सो W1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द फ्लूइड, और ये वाला जो है ये वाला फ्लूइड पे इसके आगे वाला फ्लूइड जो है ये डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा। सो W2 इज वर्क डन बाय द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड। ये कौन से फ्लूइड की बात कर रहे थे, अगेन आई रिपीट क्या हो रहा है, यहां से यहां तक में आपको W1 जितना वर्क डन करेंगे ना तो ये वाला फ्लूइड कितना शिफ्ट होगा, और ये वाला फ्लूइड जो है इस पे वर्क डन करेगा है ना, इस पे ये वाला फ्लूइड से वर्क डन, उसको हम लोग W2 कहते हैं। सो W2 इज द वर्क डन बाय द फ्लूइड, चलिए है ना। तो इतना जो है इसकी नोट बनाइए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी नोट बनाइए। ओह माय गॉड, इसको थोड़ा सा ऊपर, चलिए ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग आगे पढ़ोगे, ये हमारी सिस्टम है, फ्लूइड क्या है हमारी सिस्टम है, तो इससे जो वर्क डन हुआ ना इसको हम लोग पॉजिटिव गिनेंगे, और ये वाला वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, ये वर्क डन बाय द फ्लूइड इज पॉजिटिव, ऑन द फ्लूइड इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द फ्लूइड इज वी कैन से नेगेटिव। सो वर्क डन हमारे पास कितना हुआ, सो W1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू वी कैन से डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो W1 इज इक्वल टू F1, F1 कितना हुआ बेटा P1 इनटू A1 है ना, F1 इनटू P1, और D1 की जगह पे क्या हुआ V1 इनटू T1, बिकॉज़ वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू L1 बाय T1 है ना, या तो T, तो ये वाला जो हमारे पास W1 is equal to P1 A1 P1 into we can say T है ना, क्योंकि ये वाला length जो है ना यहाँ से यहाँ तक का length अगर L1 है ना तो V1 is equal to L1 into T, so W1 is equal to we can say चलिए इसको हम लोग L1 लिखते हैं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग L1 लिखते हैं। so P1 into A1 L1 is equal to V1, ये V1 क्या है का volume है, चलिए इसको हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं ना, एल वन लिखते हैं, ये वॉल्यूम ये वाला फ्लूइड यहां से यहां तक इसको गया तो ये वाला हो जाएगा वी वन, वेयर वी वन इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, चलिए कोई बात नहीं, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब ये वाला वर्क डन हम लोगों ने किया है ना, प्रेशर अप्लाइड बाय अस, अब जो है डब्ल्यू टू हम लोग गिनेंगे ना, so W2 is equal to we can say यहाँ पर ये वाला हो जाएगा F2 which is in this direction, that is why we will take it to be negative into we can say into bar, so W2 is equal to F2 क्या हो जाएगा P2 A2, और यहाँ पर D2 की जगह पे आप लोग लिख दो L2 है ना, so W2 will be equal to आपके पास हो जाएगा P2 into V2, what is this V2, V2 is volume of fluid displaced, ये direction volume of fluid displaced, fluid displaced, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था, देखिए वापस मैं आपको एक बार और करा दूं, देखिए यहां पर W1 is equal to F1 D1, तो D1 की जगह पे अगर आप L1 लिखोगे तो W1 cross sectional area into length क्या होगा का volume, W2 is equal to F2 bar dot D2 bar, तो यहां पर P2 A2 L2, कोई ऐसा बोलेगा
कि ये फोर्स तो ये डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई द माइनस साइन शुड कम, तो उसको माइनस भी लिखना है, तो यहां पर माइनस भी लिख सकता है ना, बट इट्स नॉट एन इशू बिकॉज हम लोग वैसे भी जो है हम लोग माइनस ही लेने वाले हैं। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, सो नेट वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस वी कैन से पी टू वी टू, ओके पी टू वी टू। अब देखिए यहां से यहां तक जितना वॉल्यूम गया होगा, मतलब ये डायरेक्शन है, उतना ही वॉल्यूम बाहर आया होगा ना, मतलब ये फ्लूइड का जितना वॉल्यूम यहां पर एंटर हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम जो है वहां से बाहर निकला होगा, सो वी कैन से वी वन इज इक्वल टू वी टू, है ना, लेट अस से इट इज इक्वल टू वी कैन से वी टू, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कैन से यहां पर क्या होगा P1 V minus we can say P2 V. So delta W is equal to we can say P1 minus P2 into V. So ये वाला कितना हो गया, delta W is equal to we can say delta P into V. ये वाला आपके पास net work done हुआ। तो net work done हमने fluid पे कितना कर दिया, delta P into we can say V. इतना जो है हम लोगों ने net work done किया। यहाँ पर जितना जो है अगर आप देखोगे जितना वॉल्यूम गया फ्लूइड का उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर निकल गया, तो ये वाला जो है हमारे पास हो गया डेल्टा पी इनटू वी। अब ये जो नेट वर्क डन है ये इसने क्या कर दिया, इसने जो है ये वाली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी थी उसको चेंज कर दिया, सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड on the fluid changes kinetic energy and potential energy of the fluid. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो change in kinetic energy is equal to delta k is equal to ये वाला हो जाएगा हमारे पास final kinetic energy 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 m into v1 का square, है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर उसकी होगी 1 by 2 mv2 स्क्वायर और यहां पर होगा 1 by 2 mv1 स्क्वायर, सो डेल्टा के इज इक्वल टू 1 by 2 m और यहां पर आपके पास हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस आपके पास v1 का स्क्वायर, बट m इज इक्वल टू अगेन इट इज रो इनटू v, है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये वाला कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। Let us say this is our equation number 2. ये वाला हो गया हमारे पास equation number 1. So हम लोगों ने delta k कितना भी लिया 1 by 2 m यहाँ पर उसकी final kinetic energy और यहाँ पर उसकी initial kinetic energy. The delta k is equal to we can say change in kinetic energy will be this much. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर change in potential energy. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू mg h2 माइनस mg h1, तो ये वाला कितना हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू रो v, है ना, रो v m की जगह पर रो v g h2 माइनस रो v g h1, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये वाला रो v g ये वाला हो जाएगा आपके पास h2 minus h1, ठीक है, तो डेल्टा u मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, रो vg into h2 minus h1, ओके, सो राइट डाउन इतना लिखो, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ओके, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतना लिखिए, लिख लिया, मिटा लो, चलिए, अब हमारे पास क्या था कि नाउ वी नो दिस फार्मूला दैट इज नेट वर्क डन जो हुआ उसमें से उसकी नेट वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज हो गया और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो गया, तो ये वाला कितना हो गया P1 minus P2 into V, ये था ना डेल्टा W, और ये वाला कितना था 1 by 2 rho into V, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा V2 square minus V1 square और यहाँ पर rho into V into G, ये V जो है वॉल्यूम है, ये V जो है वॉल्यूम है और यहाँ पर आपके पास H2 minus H1, क्या हो गया आपके पास H2 minus H1। अब सारे में से भी ये सारे पूरे जो आपके पास इक्वेशन है उसमें से आप V को निकाल दो,
तो ये वाला कितना हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू वन बाय टू रो इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो जी इंटू वी कैन से एच टू माइनस एच वन ठीक है। सो ये वाला कितना हो गया पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू वन बाय टू रो इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वन बाय टू रो इंटू वी वन स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन ठीक है ना। ये वाला हो गया आपके पास P1 माइनस P2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जो 1 वाले टर्म है ना ये 1 ये वाला भी 1 और ये वाला भी 1 ये सारे टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे और जो 2 वाले टर्म्स है ना उसको हम लोग दूसरी साइड पे इकट्ठा करेंगे तो ये वाला कितना हो गया P1 प्लस 1 हाफ रो V1 स्क्वायर के प्लस H1 रो G is equal to P2 plus 1 half rho V2 square plus H2 rho G क्या मतलब उसका P plus 1 half rho V square plus H rho G is equal to आपके पास क्या आ गया बेटा constant आ गया। इसको हम लोग कहेंगे constant। अब इसको हम लोग कहेंगे constant तो ये जो P हो गया ना ये वाला आपके पास हो गया इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर है ये P जो है ना इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर है P को हम लोग कहेंगे प्रेशर है और दूसरा जो है इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी है ये वाला जो है ना इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी है और तीसरा जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा और एक मिनट हाँ कहाँ गया एक मिनट ना इसको हम कहेंगे प्रेशर हेड वेलोसिटी है एक मिनट किसी दूसरी बुक में मैं देखूं ये वाला जो है आपके टेक्स्ट बुक में इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड और ये तीसरा वाला है ना इसको हम लोग कहेंगे एलिवेशन हेड इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग कहेंगे एलिवेशन हेड तो ये वाला आपके पास इतना इक्वेशन आ गया ओके। सो बर्नौली का इक्वेशन क्या आ गया P1 plus 1 half rho V1 square plus H1 rho G is equal to P2 plus 1 half rho V2 square plus H2 rho G ठीक है। अब हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये बर्नौली इक्वेशन है आपको ऐसे पूछ सकते हैं डिराइव बर्नौली इक्वेशन चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो है टॉरिसन स्लो इसको हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ डिराइव इक्वेशन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है डिराइव एन इक्वेशन ऑफ डिराइव एन इक्वेशन ऑफ स्पीड of efflux or derive torus ellis law देखिए ये torus ellis law इसको हम लोग जो है यहां पर derive करेंगे ठीक है अब देखिए टॉरस एली रो को डिराइव करने के लिए सपोज आपके पास यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास एक टैंक है नाउ द टैंक इज फुल यहां तक वो फुल है इतना भाग एम्प्टी है ना
इतना पार्ट यहां पर एमपी है। चलिए अब यहां पर जो प्रेशर है ना, लेट अस से पी, और यहां पर जो प्रेशर है ना, लेट अस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर उसको लगेगा, ये डायरेक्शन में इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एंड द फ्लक्स, ये वाला इन्फ्लक्स जो बाहर आएगा, ये वाला जो बाहर आएगा, लेट अस से उसकी स्पीड आपके पास पी है ना, और ये वाला जो नीचे की तरफ जाएगा ना, उसकी स्पीड आपके पास जीरो है ना। अब अगर हम लोग ये वाला करेंगे, ये वाला जो प्रोसेक्शनल एरिया होगा, दिस प्रोसेक्शनल एरिया, ये वाला प्रोसेक्शनल एरिया इट इज ए1, और इसकी जो है स्पीड सपोज u है, या इसको हम लोग v1 कहेंगे, चलिए हम v1 है ना, ये वाला v1, चलिए v1 कहेंगे इसको, ओके कह देते हैं, फिर बाद में v2 इज इक्वल टू वो जीरो करके हम लोग बाद में देखेंगे। और यहां पर जो प्रेशर इट इज, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला है आपके पास k2, और यहां पर जो स्पीड आ रही है दैट इज गोइंग टू बी कैंसिल v2, तो आपको पहले लिखना है एज शोन इन द फिगर द टैंक इज फुल ऑफ फ्लूइड है ना, एंड प्रेशर एट द टॉप इज p, एंड प्रेशर एट द होल, एट द होल इज वी कैन से pn, नाउ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज गोइंग डाउन इज v1, एंड वेलोसिटी With which the fluid comes out to be, we can say V2. ये वाला हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ये V1 जितनी velocity से नीचे जा रहा है, V2 जितनी velocity से बाहर निकल रहा है। Now according to law of continuity, according to equation या law of continuity, अगर हम लोग law of continuity अगर हम लोग इसको define करते हैं, for example, law of continuity, तो this A1 V1 is equal to we can say A2, है ना? तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास? V1 is equal to A2 V2 upon we can say V1. V1 is equal to A2 V2 upon V1. Now, A1 I. Okay, A1 I. So V1 is equal to A2 V2 upon A1. Let us say this is our equation. पहले चार आपको lines दिखनी है इसके description में कैसा? कैसे shown in the figure? The tank is full of fluid. Pressure at the top is P. And cross-sectional area of the tank is A1. Now the fluid is going down with velocity V1, and the efflux which is coming out is with velocity V2. The cross-sectional area of hole is we can say A2, or pressure at the hole is we can say PA. So now we can say P1 plus 1 half rho V1 square plus H1 rho G is equal to P2 प्लस वन हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस एच टू रो जी। चलिए हम लोग जो है इक्वेशन लगाते हैं ये दोनों नंबर वन और नंबर टू पे, दिख रहा है आपको थोड़ा सा दिख रहा है आपको? चलिए ये वाला हम लोग इसको इक्वेशन को यहां पर लगाते हैं। सो लेट अस से ये वाला हमारे पास नंबर वन हो गया और ये वाला हमारे पास नंबर टू हो गया। तो नंबर वन में हम लोगों ने इक्वेशन लगाया P1 plus 1 half rho V1 square. What is this rho? Rho is density of the fluid. और यहाँ पर velocity V1 plus H1 rho G. H1 rho G. तो H1 क्या है बेटा? H1 हमारी बेस लाइन से यहाँ तक का आपके पास हाइट, ये वाला आपके पास H1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो गया? H2 हो गया। बेस लाइन से इसकी हाइट हो गई H1, बेस लाइन से इसकी हाइट होगी हमारे पास h2, है ना? सो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला अगर आप देखोगे इट इक्वल टू p1 plus 1 half rho, जहां पर मुझे v1 दिखाई देगा ना, वहां पर मैं लिखूंगा इट विल बी इक्वल टू a2 upon a1, और यहां पर v2 का स्क्वायर, और प्लस यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? h1 rho g इज इक्वल टू p2 plus 1 half rho V2 square plus H2 rho G, ठीक है? ये वाला हमारे पास क्या आ गया? दोनों साइड पे अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये लगाया बर्नौली का इक्वेशन, तो ये वाला आपके पास आ गया, ठीक है ना? अब अगर हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पर के ये वाली वेलोसिटी जो है ना, एक काम करेंगे, चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि ये वेलोसिटी भी बन, V1 is very low. V1 is very
स्मॉल, बहुत धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब यू कैन कंपेयर वी वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी कैन से जीरो, अप्रोक्सीमेटली इसको जीरो गिनेंगे, ए वाला कितना आ जाएगा पी वन प्लस एच वन रो जी इज इक्वल टू पी टू प्लस वन हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस एच टू रो जी। चलिए अब हम लोग जो है हमको तो वी टू ढूंढना है, हमको तो वी टू ढूंढना है, हम लोगों ने यहाँ क्या अज्यूम किया कि यहाँ पर वी वन जो है ना इट इज वेरी वेरी स्मॉल, कितने क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर वी वन जो है वो ज्यादा भी दिया हो सकता है ना, तो उस वक्त आपको वी वन का वैल्यू दिए रखना है, ये तो डिपेंड करता है। सॉरी बेटा कुछ मत होना देगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास पी वन प्लस एच वन रोजी प्लस पी टू इंटू वन बाई टू रोजी इंटू वी कैंसिल टू। अब अगर आप इसको देखोगे यहां पर ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास अगर हम लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे सो इट इज पी वन माइनस पी टू और ये वाला इधर आ जाएगा एच वन रोजी माइनस एच टू रो जी इज इक्वल टू वन बाई टू रो इन टू वी कैन से वी टू स्क्वायर। सो पी वन माइनस पी ए ये वाला हो जाएगा पी माइनस पी ए, ये वाला पी माइनस पी ए प्लस ये वाला हो जाएगा एच वन माइनस एच टू इन टू रो जी इज इक्वल टू वी कैन से वन बाई टू रो इन टू वी टू स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमारे पास पी माइनस पी ए ये वाला हो गया। अब हम लोग जो है इसको पूरा इसको ऐसा ले जाते हैं, सो ये वाला हो जाएगा आपके पास टू टाइम्स पी माइनस पी ए प्लस टू टाइम्स एच वन माइनस एच टू इंटू रो जी अपॉन रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वी टू का स्क्वायर। सो वी टू जो है आपके पास क्या हो गया टू टाइम्स पी माइनस पी ए और ये वाला आपके पास कितना हो गया। अब अगर हम लोग जो है बात करेंगे ये वाला मैं मिटा देता हूँ, अब ये वाला मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर और ये वाला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स p माइनस पी ए और ये वाला 2 इंटू एच वन माइनस एच टू इंटू रो जी अपॉन वी कैन से रो। तो ये वाला v2 क्या हो गया, ये v2 हमारे पास कैसे हो गया 2 इंटू पी माइनस पी ए अपॉन रो प्लस 2 एच टू माइनस एच वन। लेट अस से ये वाला एच टू माइनस एच वन को अगर हम लोग y कहेंगे सो इट इज इक्वल टू 2 वाई जी है ना, ये वाला कितना हो जाएगा रो एंड रो विल गेट कैंसिल। सो v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए माइनस पी ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाई जी। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास ये वाला इक्वेशन हो गया 2 इंटू पी माइनस पी ए इंटू 2 वाई जी। चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो है क्या अज्यूम किया है कि ये v1 जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल और यहाँ पर आपको ये जीरो लेना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार जो है ऐसा नहीं भी हो सकता है कि v1 जीरो हो जाए। तो अगर v1 जीरो ना हो तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है। अगर देखिए यहाँ पर ये ओपन एंड हो तभी भी ये इक्वेशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर ये पूरा के पूरा क्लोज है ना तब उसका प्रेशर भी है, लेकिन ये ओपन हो तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहाँ पर लगोगे तो 2 टाइम्स पी ए माइनस पी ए अपॉन रो इंटू 2 वाई जी। तो इफ दिस वेसल इज ओपन है ना, तो यहां पर आप लिखोगे इफ द वेसल इज ओपन, तो अगर वेसल ओपन हुआ तो वी टू कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2 वाई जी है ना या 2 एच जी 2 वाई जी, ये वाला हमारे पास हो सकता है। इसका वेरिएशन चलिए इसको आप लिखिए फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है अलग अलग इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा वो
एन थी और यहां से ये वाला वी टू जितनी स्पीड से आ रहा था, तो वी टू का फॉर्मूला क्या था? इट वॉज स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू पी माइनस पी ए अपॉन रो इंटू टू वाई जी, ये वाला फॉर्मूला था। अब इसके अंदर केस नंबर अगर हम लोग बन लेंगे तो केस नंबर वन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ओपन एंड है ना, ये वाला ओपन एंड है, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा ना, ये वाला लेटर से ये वाला प्रेशर आपके पास कितना लगेगा, तो ये वाला भी पीए लगेगा, यहां पर भी पीए लगेगा। तो अगर मॉडिफिकेशन करते हैं इस केस में कि जहां पर ऊपर का जो आपके पास टॉप लीड है वो अगर ओपन है तो V2 is equal to square root of 2 times PA minus PA, क्योंकि P की जगह पे आप क्या रखोगे PA और यहाँ पर रो into विकेंड से 2YG, so V2 is equal to square root of 2YG, ठीक है? अब आपको वेरिएशन क्या दिया जा सकता है? तो वेरिएशन दिया जा सकता है कि यहाँ पर आपको ये हॉल दिया जा सकता है, तो यहाँ से कितनी स्पीड से बाहर आएगा, यहाँ से कितनी स्पीड से बाहर आएगा यहाँ पर, तो आपको y की जगह पे क्या रख देना है, यहाँ पर h रख देना है ना पूरी हाइट, तो यहाँ पर v2 क्या आ जाएगा, v2 is equal to square root of 2 into p minus pa upon rho plus 2 hg है ना, ये वाला जो हमारे पास इस स्पीड से बाहर आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास टॉरिसरिस इक्वेशन हुआ। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारे पास बर्नौली का इक्वेशन हो गया और ये वाला हो गया हमारे पास टॉरिसरी इक्वेशन, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रोटेशन, और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? तो आज बेटा हम लोग इतना ही रखें, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे।